क्या गुजिया है, इसको तो आप अपने मेहमान को भी खिला सकते नहीं, रखे रहेंगे डाइनिंग टेबल पे, वो खुद अपने आप लेके खाने लगेंगे इसको देख करके। तो अपने जितने गेस्ट वगैरह हैं सबको खिलाइए, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है, होली का त्योहार आ चुका है तो फ्रेंड हम चल रहे हैं, हम लाए हुए हैं मनपसंद आपके लिए। सब लोग गुजिया तो सारे लोग बनाते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन हम भी बना रहे हैं। जरा आप मेरा भी मेरे हिसाब से देखिएगा हम कैसे मैदा बनाते। है, आधा किलो ये देखिए गाइस, ये आधा किलो और मैदा है गाइस जी, हमारा जो है काजू है जिसको हम पीस के रखे हुए हैं, ये हमारा काजू देखिए, इसको हम पीस के हम रखे हैं। हम लवंग डाले हैं, चार पांच इलायची डाले हैं। लवंग और इलायची से इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि वाह क्या बात है। एक बार आप, ये मेरी गरी है, कद्दूकस करके रखे हुए हैं, ये हमारा बेहतरीन मावा है, इसको हम घर पे बनाए हुए हैं, मार्केट से नहीं लाए हुए। मार्केट का मुझे नहीं अच्छा लगता है और शुद्ध भी नहीं होता है। जहां तक आप लोग कीजिए, जो घर पे ही खोआ बनाई वो सबसे अच्छा रिफाइंड होता यूज है। करते हैं। तो तो गाइस अब देखिए, ये हमारा मैदा है, इसमें हम ऑयल मिलाएंगे ऐसे से करके, अच्छे ढंग से मिला लीजिए। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि बुजुर्ग लोग, जैसे एजेड लोग रहते हैं तो वो थोड़ा कड़ी रहती, नहीं खा पाते हैं, तो इसमें ऑयल हद ज्यादा मिलाएंगी तो उन लोग सबके लिए हो जाए, वो भी खा सकते हैं ये चीज, बहुत परफेक्ट होता है। ये देखिए ऐसे से मिलाइए, और गर्म पानी से ही इसको गूथना है, बेगर्म पानी को मत गूथिएगा क्योंकि ये खराब हो जाएगा। चुके हैं ये देखिए, ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। एक चीज हम आपसे और बताना चाहते हैं कि मैदा तब परफेक्ट आता है जब ऐसे वायल डालने के बाद ऐसे बन जाए गोला, तो समझ लीजिए आपका एकदम परफेक्ट है। ये देखिए हमारा गर्म पानी है ये गाइज, तो गर्म पानी से ही इसको गूथना है। गर्म पानी से सॉफ्ट और मुलायम, बहुत बहुत सॉफ्ट आता है। बेस्ट हुआ है हमारा, तो हम आपको बताते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खूब अच्छे से, वो बड़ा सी बेल लीजिए, हम कितना बड़ा बेले हैं, ऐसे आप भी बना लीजिए। पानी है ये देखिए, इसको ऐसे किनारे किनारे से हल्के हाथ से लगा लीजिए। ये देखिए कितना बेहतरीन डिजाइन आई है इसका, ये देखिए। तो आप इस बनाइए और खाएं, है ना बेस्ट डिजाइन। ये देखिए अब इसको हम फ्राई करके भी आपको हम दिखाते हैं, डालते हैं इसमें ये ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। जितने गेस्ट वगैरह हैं सबको खिलाइए, आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। और प्यारी प्यारी गुजिया, आप होली में आप लोग को सबको मुबारक हो होली, और साथ में गुजिया का एंजॉय कीजिए। बाय गाइज।